स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें तो आज एशिया कप में चौथा मैच खेला गया। ये मैच भारत और श्रीलंका की टीम के बीच खेला गया। दोस्तों, बात करें अब इस मैच की, तो आज की इस वीडियो में इस पूरे मैच के हाइलाइट्स के बारे में बात करूंगा। अगर दोस्तों आप भी भारतीय टीम के फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बात करें अब इस मैच की, तो इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन बनाए। उनके सभी खिलाड़ी आउट हो गए। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा बनाए, उन्होंने 53 रन बनाए। शुभमन गिल ने 19 रन बनाए, विराट कोहली ने 3 रन, ईशान किशन ने 33, के आर राहुल ने 39 रन बनाए, वहीं हार्दिक पांड्या ने 5, रविंद्र जडेजा ने 4, अक्षर पटेल ने 26, बुमराह ने 5, कुलदीप यादव ने 0 और सिराज ने भी 5 रन बनाए। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो श्रीलंका की तरफ से दुनित ने 5 विकेट लिए, वहीं श्रीलंका ने 4, त्रिक्षणा को 1 विकेट हासिल हुआ। इसके अलावा कोई खिलाड़ी को विकेट नहीं मिला। वहीं बीट पतन की बात करें तो पहला बीट गिरा भारत टीम का 80 रन पर, दूसरा 90 पर, तीसरा 91 पर, चौथा 154 पर, पाँचवा 170 पर, छठा 172 पर, सातवा 178 पर, आठवा 186 पर, नौवा 186 पर, दसवां गिरा 213 रन पर। दोस्तों, इसके बाद भारत टीम के 214 रन के लक्ष्य का पीछे का उतरी श्रीलंका की टीम। दोस्तों, उनकी शुरुआत भी खराब रही और पहला बीट इनका गिरा 7 रन के स्कोर पर, 7 पर पहला बीट गिर गया। निशांका 6 रन बनाकर आउट हुए, उन्हें बुमराह ने आउट किया। इसके बाद करण उत्तर का साथ देने आए कुशाल मेंडिस, इन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की। इसके बाद सदीरा, असलंका, नसीलवा, शंका ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंत में भारत टीम ने इस मैच को जीत के करीब पहुंचा दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।